20 से 30 हज़ार रुपये में अगर एक फीचर पैक लैपटॉप की बात करें तो इन्फिनिक्स के जो लैपटॉप हैं इस लिस्ट में सबसे टॉप में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स के इनबुक X2 की, और ये जो लैपटॉप है अभी पिछले महीने यानी अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, और ये अपडेट है इन्फिनिक्स के X1 स्लिम का। तो बात करें इसके फीचर और प्राइस के बारे में, और यहाँ पर जो है नए क्या क्या अपडेट हुए हैं इन्फिनिक्स X2 में, ये भी हम देखने वाले हैं। और जिस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप मिल रहा है उस प्राइस रेंज में क्या लैपटॉप बेस्ट है या नहीं है, हमने एक वीडियो बनाई थी लैपटॉप अंडर 35,000 रुपीज, और उस वीडियो में मैंने आपको एक सजेस्ट किया था लैपटॉप इन्फिनिक्स का X1 स्लिम। तो उस वीडियो में आपने काफी सारे सवाल पूछे थे इन्फिनिक्स के लैपटॉप के बारे में, तो वीडियो के एंड में वो सवाल भी ले लेंगे। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माइंड इज फ्री, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं इस लैपटॉप की सबसे पहले प्राइस और स्पेक्स की। तो यहाँ पर टोटल 3 वेरिएंट आपको इसके मिल जाते हैं। i3 वेरिएंट आपको अगर लेना है तो यहाँ पर आपको 35,990 का मिल जाएगा। i5 अगर आपको लेना है तो ये जो है आपका 42,990 का मिलेगा, और i7 अगर आपको लेना है तो ये आपको मिलेगा 52,990 का। तो चलिए स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो तीनों में आपको विंडो 11 जो है प्री इंस्टॉल मिल जाती है। i3 की अगर बात करें तो 8GB रैम है, 512 की यहाँ पर SSD मिलेगी। i5 अगर आप लेते हो तो 8GB रैम और 512 की यहाँ पर SSD मिलेगी। और अगर आप इसका i7 वाला वेरियंट लेते हो तो वहाँ पर आपको 16GB रैम और 512GB की SSD मिल जाएगी। इसके अलावा तीनों में आपको जो है डिस्प्ले सेम मिल जाती है, 15.6 की यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगी, फुल HD डिस्प्ले, और साथ में आपको ये जो डिस्प्ले 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाती है। बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको जो है 50 वाट आर की बैटरी के साथ 56 वाट का जो है टाइप सी एडाप्टर मिल जाता है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है 11 आर का बैटरी बैकअप, बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊँ जो विंडो लैपटॉप होते हैं इतना बैटरी बैकअप नहीं देते। ये जो बैटरी है 50 वाट आर की जो बैटरी है आपको अराउंड 5 से 6 घंटा ही बैटरी बैकअप देगी अगर आप नॉर्मल यूज इसको कर रहे हो। कनेक्टिविटी में इसमें आपको वाईफाई 5 है और ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है, और इसका जो कीबोर्ड है वो आपको बैकलेट कीबोर्ड मिल जाता है, और जो टच है वो मल्टी टच सपोर्ट है, और जो इसका कैमरा है वो आपको फुल HD कैमरा मिल जाता है। साथ में इसमें 2 LED लगी है, तो अगर आप लो लाइट कंडीशन में भी हो, अगर आपकी लाइट थोड़ा सा लो है तो LED फ्लैश के थ्रू आप जो है अच्छी वीडियो कॉलिंग यहाँ पर कर सकते हो। और लैपटॉप की जो बॉडी है आपको एल्युमिनियम अलॉय की यहाँ पर मिल जाती है, और वेट की अगर बात करें तो 1.65 kg का ही टोटल आपको लैपटॉप मिल जाता है। तो ये जो लैपटॉप है आपको जो है कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ एक अच्छी बिल्ड भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो इस लैपटॉप की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे बेस्ट जो यहाँ पर पार्ट है वो है इसकी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, अगर आप मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको ये कलर जो है दिखाएगी, क्योंकि 100% sRGB यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस रेंज में किसी भी लैपटॉप में आपको जो बैकलेट कीबोर्ड जो है देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लो लाइट में हो या रात में अगर लैपटॉप यूज़ करते हो लाइट चली जाए तो बैकलाइट कीबोर्ड जो काफ़ी हेल्प करता है, तो ये भी एक अच्छी बात है इस लैपटॉप की। और इस वाले वेरिएंट की अगर बात करें X2 की बात करें तो इसमें आपको HD वेबकैम मिल जाता है, जो कि इस रेंज में मैंने देखा नहीं कि कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। HD वेबकैम के साथ यहाँ पर LED फ्लैश भी है, तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ हो जाती है। तो अगर आप स्टूडेंट हो और ज़्यादा वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो ये जो फीचर है LED फ्लैश वाला और फुल HD वेबकैम, ये आपको जो है काफ़ी यहाँ पर हेल्प करने वाला है। इसके अलावा वेट भी इस लैपटॉप का कम है, यानी अगर आप स्टूडेंट हो तो काफ़ी बेस्ट ये लैपटॉप आपके लिए है, और एल्युमिनियम अलॉय की बॉडी है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप बेस वेरिएंट की भी बात करें तो प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो i5 है और i7 वाला वेरिएंट है उसमें आपको इंटेल का Iris XT ग्राफिक कार्ड मिलेगा, और i3 वाले वेरिएंट में आपको USD ग्राफिक कार्ड मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, इनमें आप देख लेना। अगर आप थोड़ा सा ग्राफिक के लिए ले रहे हो, अगर जैसे फोटोशॉप वगैरह चलाना है तो i5 अगर आप लेते हो तो काफ़ी ठीक ठाक से चल जाएगा। USD ग्राफिक कार्ड और Iris ग्राफिक कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो कमी की अगर बात करें इस लैपटॉप की, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से वैसे तो कमी कुछ नहीं है, बट छोटी मोटी चीज़ें जो आप देख सकते हो आपको ये ध्यान रखना है। i3 की अगर बात करें तो USD ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर, और 11 जनरेशन भले दिया है बट उसमें भी आपको जो 2 कोर वाला ही प्रोसेसर है। अगर आप इसमें मल्टीटास्क करोगे ज़्यादा तो थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस में लैग मिल सकता है। इसके अलावा i5 में आप फोटोशॉप भी चला सकते हो इंटेल Iris के अंदर, जो अच्छे से चल जाता है। अगली जो कमी लगी वो है मुझे इसमें बैटरी में लगी। अगर आप देखोगे स्लिम एक्स को, जो इनका प्रीवियस वाला वर्जन था, उसमें आपको 55 वाट आर की बैटरी मिलती है और इसमें
50 वाट आर की बैटरी है। तो थोड़ा सा बैटरी को कम कर दिया और बैटरी आर भी इन्होंने देखा है कि दोनों में सेम है। उसमें भी इन्होंने मेंशन किया था 11 घंटे का बैटरी पिकअप और इसके अंदर भी इन्होंने जो है 11 घंटे का बैटरी पिकअप मेंशन किया है, बट 5 वाट आर इसमें कम मिलता है, उसके बाद भी ये बोलते हैं कि 11 घंटे का बैटरी पिकअप। तो ये यहाँ पर आपको कमी इनकी पकड़नी है। तो बैटरी पिकअप यहाँ पर कैसे बढ़ेगा जब वाट आर भी इन्होंने कम कर दिया? तो मुझे लगता है जो इसकी बैटरी है वो 4 से 5 घंटे ही आपको देगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरे पास है 2 लाख रुपए का लैपटॉप और उसमें लगी है 90 वाट आर की बैटरी, और उसमें अगर मैं मल्टीटास्किंग करता हूं और कंटिन्यू उसमें काम करता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा 2.5 घंटे या 3 घंटे, और अगर मैं मूवी वगैरह उसमें देखता हूं तो 2 मूवी में आराम से देख सकता हूं। बट अगर मैं हाई परफॉर्मेंस टास्क करता हूं 90 वाट आर की बैटरी के अंदर भी, तो वो लैपटॉप जो है 2.5 से 3 घंटे में उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आप देख लो, इसमें आपको 50 वाट आर की मिलती है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा मल्टीटास्क करोगे तो बैटरी इसकी कम चलने वाली है, और अगर आप मीडिया वगैरह ही कंज्यूम करना है तो 5-6 घंटे का आराम से बैटरी आपको बैकअप मिल जाएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी कमियां मुझे इस लैपटॉप में लगी जो मैंने आपको बता दिया, बट इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको मिलते हैं, फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा। तो चलिए बात कर लेते हैं किस टाइप के वर्क के लिए आप इसको ले सकते हो, किन किन लोगों को ये लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर स्टूडेंट हो तो इसको आप ले सकते हो, आप प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह ऑनलाइन क्लासेस इसमें काफ़ी आसानी से कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग ये नॉर्मल जो टास्क है, फोटोशॉप काफ़ी आसानी से इसमें आपका चल जाएगा। इसके अलावा आप पर्सनली यूज़ के लिए लेना चाहो, मूवी वगैरह अगर आपको देखनी है, मीडिया वगैरह कंज्यूम करना, तो बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले आपको एक तो फुल HD डिस्प्ले है, साथ में आपको जो है 100% sRGB वाला लैपटॉप मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी कलर एक्यूरेसी आपको दे देगा। और इसके अलावा अगर आप ऑफिस पर्पज़ के लिए लेना तो आप आसानी से ले सकते हो, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, बेसिक जितने टास्क होते हैं ऑफिस के, जैसे आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट करना है, इंटरनेट चलाना, काफ़ी आसानी से आप चला सकते हो। इसके अलावा स्टॉक मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था हमारी प्रीवियस वीडियो पे कि इस लैपटॉप को ले सकते ही नहीं ले सकते, आप ले सकते हो क्योंकि आपको इंटरनेट ही चलाना, तो इंटरनेट इसमें काफ़ी आसानी से आप चला सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के अपडेट की, अगर आप कंपेयर करो प्रीवियस वाले वर्जन से तो क्या नए अपडेट इस लैपटॉप में आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है यहाँ पर प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर आपको अगर प्रीवियस वाला देखोगे तो वहाँ पर आपको 10 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा और इस वाले वेरिएंट में आपको 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। इसके अलावा रैम और स्टोरेज की बात करें तो X1 Slim अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपको 8 GB और 512 GB का ही ऑप्शन आपको मिलता था। X2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो 16 GB वाला ऑप्शन भी है, अगर आप i7 लेते हो तो 16 GB रैम है और 512 यहाँ पर SSD है। और अगर X1 Slim की कोर की बात करें, प्रोसेसर कोर की, वहाँ पर आपको जो है 2 कोर का ही ऑप्शन अवेलेबल था, बट X2 में अब जो है 4 कोर वाला भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है, यानी i5 i7 अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपको जो है 4 कोर आपको प्रोसेसर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले कंपेयर करो तो अभी आपको जो है 15.6 की डिस्प्ले मिल जाती है X2 में, और स्लिम की अगर बात करें तो 14 इंच की आपको जो है डिस्प्ले मिल जाती है, बाकी जो फीचर है डिस्प्ले के दोनों के ही सेम आपको मिल जाते हैं। तो कैमरे की अगर बात करें तो स्लिम में आपको जो है 720p का कैमरा मिल जाता है और X2 में आपको जो है, मैंने जैसे बताया, आपको एक फुल HD कैमरा और साथ में आपको LED फ्लैश भी इसमें मिल जाता है। बैटरी की अगर बात करें तो स्लिम में आपको 55 वाट आर की जो बैटरी मिल जाती है और X2 में यहाँ पर जो है 5 वाट जो इन्होंने कम कर दिया, 50 वाट आर की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। तो मेन जो अपग्रेड है दोनों के अंदर वो है प्रोसेसर का। तो अगर आप स्लिम लोगे तो वहाँ पर आपको 10 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा और X2 में आपको 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें X2 की तो यहाँ पर आपको इंटेल का आयरिस ग्राफिक कार्ड ही मिल जाता है अगर आप ले तो i5 और i7 वेरिएंट। तो ये कुछ अपडेट हुए हैं X2 के अंदर। और अगर प्राइस की भी बात करें तो X2 का बेस वेरिएंट है 35,990 का, और स्लिम की अगर बात करें इसे प्रीवियस वाले वर्जन की तो उसका जो बेस वेरिएंट है 28,000 के आसपास मिल जाता है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप इनमें से कोई बाय करने की सोचो तो कार्ड ऑफर भी आपको मिल जाता है, तो 10-15% का भी ऑफ आप ले सकते हो अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हो। तो चलिए बात कर लेते हैं, अगर आप इन्फिनिक्स में नहीं जाना चाहते हो, किसी अदर ब्रांड में अगर आपको बाय करना तो वो भी आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके कमेंट आते हैं कि आप जो इन्फिनिक्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इन्फिनिक्स में ये कमी, इन्फिनिक्स में वो कमी है। तो चलिए फिर भी आपको बता देता हूँ और कौन कौन से लैपटॉप है, कौन कौन से ऑप्शन है और कौन कौन सी कंपनी है, वो सारे आपको बता देता हूँ। तो पहला लैपटॉप है रेडमी बुक है और ये आता है 39,800 रुपये का, इसे भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप लेनोवा के 2 लैपटॉप इन्हें देख सकते हो, एक है लेनोवा आइडियापैड स्लिम 3, दूसरा लैपटॉप है लेनोवा का थिंकबुक और 37,990 का ये लैपटॉप है। इनके अंदर वेरिएंट काफ़ी सारे हैं, जो 29,990 वाला भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप आसूस में जा सकते हो, आसूस
वीवो बुक 15 आप ले सकते हो, 32,490 का ये लैपटॉप है। एक लैपटॉप है एसर का एक्सेंसर 15, 31,990 का मिल जाता है। तो ये है कुछ ऑप्शन जो आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट करो, फीचर देखो, स्पेक्स देखो, सब कुछ चेक करो, जो मुझे अच्छे लगे मैंने बता दिए। इसके अलावा एचपी डेल मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, तो आपको रीजन बता देता हूँ। एचपी डेल की अगर बात करें तो यहाँ पर 40,000 तक भी मैंने देखे तो आपको जो एक फुल एचडी डिस्प्ले वाला लैपटॉप नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिलता भी है तो दो कोर आपको मिलेंगे। तो 40,000 में अगर आपको दो कोर वाला ही लैपटॉप लेना तो ले सकते हो, आप अमेजोन पर जाओ, सीधा फिल्टर मारो और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वैसे अगर जो लैपटॉप मुझे मिलेंगे इस वीडियो के बनाने के बाद भी मैं देखूँगा, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है इनको मेंशन नहीं किया। बाकी आप लेनोवा की तरफ जा सकते हो, बढ़िया है, रेडमी की तरफ जा सकते हो, और हाँ एक और लैपटॉप है हॉनर का मैजिक बुक, तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, इसे भी आप देख सकते हो, इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है इसमें आपको। 32,928 रुपये का लैपटॉप है, तो इसको भी आप देख सकते हो हॉनर का, ये भी काफ़ी, इसमें भी काफ़ी सारे मैंने रिव्यू चेक करे तो काफ़ी अच्छे रिव्यू आपको मिल जाते हैं। तो ये कुछ सजेशन है, आप देख सकते हो, अगर आपको बेस्ट लगे तो इसमें बाय कर सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आप लेते हैं आपके सवाल जो आपने पूछे थे इन्फिनिक्स के लैपटॉप के बारे में। तो कुछ सवाल है, वैसे तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, बट वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे, मैंने आपकी वीडियो में बहुत सारी बातें करी हैं, वहाँ पर आपके सवाल भी क्लियर होंगे अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। तो सवाल क्या है आपके, जो पहला सवाल है वो है बैटरी के बारे में। तो बैटरी मैंने आपको बता दी 4 से 5 घंटे की बैटरी देगा, भले ही 50 वाट या 55 वाट आर की बैटरी है, 4-5 घंटे का देगा। अगर आप हाई परफॉर्मेंस टास्क करते हो, फोटोशॉप जैसा चलाते हो, एक तरह आपने इंटरनेट भी चलाया, तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे 4 घंटे तक भी दे तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। एक आपने सवाल पूछा था लैपटॉप के कोर कैसे चेक करने, तो कोर चेक करना काफ़ी सिंपल है, आप जा सकते हो टास्क मैनेजर के अंदर, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में क्लिक करना, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कितने कोर वहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा माई पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हो, जो भी आपका प्रोसेसर लगा हुआ उस प्रोसेसर के आगे i7 i5 के आगे एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को कॉपी करके आप इंटरनेट पर डालोगे, जैसे आप ब्राउज़र पर सर्च करोगे तो इंटेल वाली वेबसाइट में वो आपको डायरेक्ट जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना, और वहाँ पे आपको बता देगा उस प्रोसेसर की डिटेल, सब कुछ बता देगा, कोर कितने हैं, थ्रेड कितने हैं, जो भी इसमें डिटेल है सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है आपका अपग्रेड के बारे में कि अपग्रेड हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आपको बता दूँ रैम आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, जो भी आप लैपटॉप ले लोगे फिक्स आपको रैम हो जाएगी। बट यहाँ पर जो है अगर बात करें स्टोरेज की, तो कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि अपग्रेड हो सकता है नहीं हो सकता है, क्वेश्चन भी देखे मैंने पर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्वेश्चन भी डाला है उसका भी कोई रिप्लाई नहीं है। SSD का कह नहीं सकते, बट रैम यहाँ पर फिक्स है, रैम को अपग्रेड आप नहीं कर सकते। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने पूछा था कि जो आप रिकमेंड कर रहे हो इन्फिनिक्स का लैपटॉप, ये बेकार लैपटॉप है, और HP Dell के लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो हाँ, HP Dell के लैपटॉप अच्छे होते हैं, मैं भी HP Dell यूज़ कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, अभी मैं Asus का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। बट आपको एक चीज़ बता दूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग हमने वीडियो बनाई है, जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग फीचर है, और दूसरी बात हम Flipkart पे देखते हैं, जो लोग बाय करते हैं वहाँ पर काफ़ी कमेंट हम पढ़ते हैं, कमेंट के अकॉर्डिंग आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है कैसा है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, हाँ मैंने फिजिकली इसको यूज़ नहीं किया। तो ये कुछ सवाल थे जो आपने पूछे थे हमसे, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो लैपटॉप बेस्ट है या नहीं है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जिस प्राइस रेंज में इन्फिनिक्स आपको लैपटॉप दे रहा है और जो फीचर दे रहा है वो और कंपनी आपको नहीं दे रही है, बट आपको फिर भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने आपको अदर ऑप्शन भी बता दें कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनको भी आप चेकआउट करो, बस आपको देखना है कि FHD डिस्प्ले हो, 8GB रैम मिनिमम, 512GB की यहाँ पर हार्ड डिस्क हो यानी SSD हो, और आपके जो कोर हो 4 कोर वाला आप लो तो ज़्यादा बेस्ट है, यानी नॉर्मल जो टास्क है इस स्पेस के साथ जो आप आसानी से कर सकते हो। बाकी आपको डिस्प्ले देख लेना, अगर आपको ज़्यादा कलर एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है तो आप कोई भी डिस्प्ले वाला लैपटॉप ले सकते हो, HP Dell की तरफ भी आप जा सकते हो। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है, तो हर बार हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो एक ट्रू टेक नॉलेज दें, यानी आपको रियल नॉलेज दें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करें। तो होप आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी, अगर कोशिश पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।